गाइस, दिस इज शालिनी सूर्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मूवी टॉकीज। और आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है एक नई फिल्म टाइटल्ड पल पल दिल के पास, जिसके साथ बॉलीवुड को मिलने वाला है दो नए चेहरे, वन ऑफ विच इज बॉलीवुड्स वेरी ओन स्टार किड सनी देओल सन करण देओल एंड एक्ट्रेस शाहिर बांबा। तो आइए जानते हैं कि क्या ये दोनों यंग स्टार्स रहे कामयाब इन एंटरटेनिंग द ऑडियंस। पास देख के आए हैं, जिससे बॉलीवुड में दो नए चेहरे इंट्रोड्यूस होने वाला है, करण और शाहिर। तो फिल्म कैसी लगी आपको? आई वुड लाइक टू थैंक्स सनी देओल जॉब, इन्होंने एक अच्छा मूवी दिया उनके बेटे को, करण देओल। इट्स अ परफेक्ट लव स्टोरी, दिस इज अ परफेक्ट लव स्टोरी, लव स्टोरी ऑफ द ईयर, बिगेस्ट लव स्टोरी ऑफ द ईयर। करण और शाहिर के एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डू यू थिंक दे आर हियर टू स्टे इन बॉलीवुड एंड मेक देयर मार्क? सो ऑब्वियसली, एंड सनी देओल के बेटे और करण देओल परफेक्ट मैच कर रहा है, जो लाइन ऑफ द बॉलीवुड कहते हैं, जो रोर करते हैं, वन ऑफ द फेवरेट मूवी माँ तुझे सलम, उसमें कैसे कैसे रोर किया है उन्होंने, वही रोर दो तीन एक्शन सीन्स है तो उसमें कर रहे हैं, और ढाई किलो का हाथ, वैसे ही परफेक्ट एक्शन इमोशंस एंड रोर स्पेशली, वो बिल्कुल सनी देओल ही लग रहे हैं, सनी देओल खड़े हैं 100% डिट्टो। दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी सब? बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, वो पहले हर कोई केमिस्ट्री ज़्यादातर झगड़े से शुरू होता है, एंड जो रोमांटिक मोड पे खत्म है, जो आखिरी जो एंड है, इतनी बेहतरीन तरह से मतलब एंड किया है उन दोनों की लव स्टोरी का, दैट वाज अमेजिंग। आपको देखना पड़ेगा मूवी, इसके लिए मैं बताऊंगा नहीं। करण देओल के डायरेक्शन और इन टोटैलिटी फिल्म में कौन सी बात ऐसी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आप? लव स्टोरी, लव स्टोरी दोनों का, जो लव स्टोरी बनता है कैसे, मतलब एक दो हार्ट कैसे मिलते हैं, वो सब चीज़ें उसमें बहुत बहुत सारा वो चीज़ वो ऑब्जर्व किया गया है, जो मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा, स्पेशली लव स्टोरी। तो मैं आपको बोला पहले, दिस इज़ अ परफेक्ट लव स्टोरी, लव स्टोरी मूवी ऑफ द ईयर। फिल्म के गाने कैसे थे? गाने ऑल म्यूजिक ऑल सॉन्ग्स आर यूनिक, एंड स्पेशली पल पल दिल के पास टाइटल ट्रैक द मोस्ट रोमांटिक ऑफ द ट्रैक ऑफ द ईयर, बहुत लवेबल सॉन्ग है दैट वन। कितना सांस दोगे आप आउट ऑफ 5? 4.5। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। पल पल दिल के पास देख के आए हो, कैसी लगी आपको ये? अच्छी लगी मुझे मूवी। फिल्म में सबसे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी लगी? व्हिच वाज द फेवरेट मोमेंट? फेवरेट मोमेंट वाज जब वो पहाड़ पे से गिरती है, और वो बाद में फिर वो सोच मतलब वो डर जाती है, तो बाद में फिर ही इज़ लाइक डरो मत, यू आर ब्रेव, एंड मतलब उसको कैसे मोटिवेट करता है एंड एवरीथिंग। मूवी में काफ़ी अच्छा सीन था वो, एंड फाइटिंग सीक्वेंस भी काफ़ी अच्छे थे मूवी के अंदर, मुझे अच्छा लगा। करण एंड शाहिर आर टू न्यू फेसेस दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू बॉलीवुड, तो दोनों की एक्टिंग कैसी लगी आप? बोला तो मतलब एज एन डेब्यूटेंट तो मुझे अच्छी लगी, मतलब वो भी नए हैं तो वो भी सीख रहे हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर ना एज अ स्टार्टर। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी लगी आप? अच्छी लगी, मतलब बिल्डअप हुआ अच्छे से, थोड़ा ऑन ऑफ लगा सेकंड पार्ट में, लेकिन बाद में फिर वापस देयर वाज बेटर। सनी देओल हैज डायरेक्टेड द फिल्म, सो डू यू थिंक ही हैज डन अ गुड जॉब विद डायरेक्शन? यस, आई फील फर्स्ट हाफ के लिए तो बहुत अच्छा, सेकंड हाफ के लिए भी मतलब फाइटिंग सीक्वेंस काफ़ी अच्छे थे, पर आई फेल्ट कि सेकंड हाफ में थोड़ा मतलब काफ़ी मूवी एक्सटेंड हो गई, मतलब 20 मिनट ज़्यादा एक्सटेंड हो गई, मुझे ऐसा लगा, मतलब वो कम हो सकता था, क्योंकि मूवी शुड हैड अ गुड एंडिंग, लेकिन बीच में पॉलिटिकल इश्यूज डालना, आई डिडंट फेल्ट दैट शुड हैव इंपॉर्टेंट इन दैट। फिल्म के गाने के बारे में आप क्या कहना? गाने काफ़ी अच्छे थे, मतलब गाने के लिए मैं प्रेज करूँगा, गाने काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी सिचुएशन भी मुझे अच्छे लगे और काफ़ी कैची भी थे, मतलब मैं घर पर जाकर सुनूंगा अगर उनको। फिल्म के ट्रेलर में जो विजुअल्स थे वो बहुत ज़्यादा लैंडस्केप्स थे, इट वाज शॉट ऑन ब्यूटीफुल लोकेल्स, तो वो 70mm स्क्रीन्स में कितना अच्छा दिख रहा था? काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं उधर ही हूँ पहली बार, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि इवन तो मतलब मूवी देखनी हो तो मुझे उसके लिए मुझे वापस देखनी पड़ेगी, मुझे इतनी अच्छी लगी। कितना स्टार्स हो गया अबाउट ऑफ 5 इस फिल्म? 3.5। Thank you so much. So you just went for Pal Pal Dil Ke Paas. So how did you like the film? I loved it because it's first day, first show, and I have acted in the movie. I play Shania, which is Seher Bamba's cousin sister from Canada. So tell us something about your character. So she's this character who stays in Canada, and Seher wants to like get away from the family. So she just takes off on this trip. But then you'll watch the movie and you see how she evolves during the trip. Was it your first film? Yes, it's my first Bollywood film. I've done an international film from Sweden called The Most Beautiful Hands in Delhi. So Bollywood-wise, my first film. So it's a beautiful start to be with Vijeta Films.
You know, it's incorrect to ask review from you since you are there in the since you are there in the film. But I will still ask you that, you know, two new faces were introduced in Bollywood. Yes, you are also introduced in the Bollywood. So what would you want to say about that? Karan and Seher, both of them have done a beautiful job. I mean, when you see their performance, you would really see they're very promising and they both have acted very well. If I just ask you to sit just as an audience, give me the answers, then I would ask you, how was their chemistry in the film? Chemistry absolutely is so real, so natural. You would just see it when you watch the film. Sunny sir has directed the film, so how was it working under his direction and what would you want to say about it? He's so calm and beautiful when it comes to like being directed by him, because people have this image of, you know, they're scared of him, but I saw sir as such someone who's very calm, very focused. So to have this opportunity to be directed with him so closely and to interact is very nice. He's super focused and he knows what he wants. We have seen in the trailer that the film was shot on beautiful locales, so visually it looked very appealing. So tell us some, you know, share with us some memories from those shoots. Of course, I mean all that hard work which has gone in the Manali shoot, and Karan has done all the stunts himself, which is like very applaudable because it's very tough. When you see the movie, you'll see what all he's done. He's gone for training before the shoot started for almost a year, and all that schedule has really worked off. When you see the movie, it's amazing. The scenes have come out so beautiful. Will be the highlights of this film? Oh, there are many highlights, right from the trekking to the action to the romance, and I think a lot of highlights. What would you want to say about the songs? They are, you know, songs are already a big hit. Yes. People are just listening to them on the loop, and the title track is like gone and crossed so many views. Which was your favorite moment from your own film? Oh, my favorite moment is very difficult because I just enjoyed the whole process, you know, right from being on the set to shooting and then going for the screening. I mean, everything has been so exciting. You know, what would be that one factor due to which you will recommend our viewers to come and watch your film? So I would tell everyone that you just come and enjoy this movie, because you would really relate to what is happening around us and you would take back the innocence, the love and a message. How many stars you would want to give out of 5? Out of 5, I'll give it a 6. Thank you so much for talking to us. Thank you. तो सर पल पल दिल के पास देख के आए हो और इस फिल्म से बॉलीवुड में दो नए चेहरे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? मुझे अच्छी लगी, डेफिनेटली एक टाइम वन टाइम वॉच है. और करण देओल चॉकलेट बॉय लुक्स वेरी गुड, बहुत ही वनरेबल, और वो रॉ अपील जो एक नए एक्टर्स की होती है वो, आई थिंक आई एम श्योर ही कैन इम्प्रोवाइज बट ही इज़ क्वाइट डिसेंट आई फील. टू न्यू फेसेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द सिनेमास टुडे, वन ऑफ देम इज बॉलीवुड्स वेरी ओन स्टार किड. सो डू यू थिंक दे विल मेक द मार्क इन द बिजनेस? दे आर हियर टू स्टे. It's quite difficult because there's so many actors and there's so much competition, but Seher, she looks promising. Or obviously unke to khoon mein acting hai Karan, romance ho ya action ho, apne grandfather ke ke jo romantic movies hum jante hain Dharmendra ke, aur action movies Sunny Deol ke. But I think jo unka plus point hai unki vulnerability aur wo cuteness, Aamir Khan jab Qiyamat se Qiyamat tak mein aaye the, you know, something of that sort. So I think wo logo ko pasand aayega. के ट्रेलर से स्टोरी के बारे में कुछ खास नहीं पता चल रही थी, वी कुड ओनली यू नो रूट बाय द विजुअल थिंग्स दैट वी वर सीइंग. तो डू यू थिंक द स्टोरी इज एंगेजिंग इनफ टू कीप द ऑडियंस रूटेड टू द सीन? हाँ, फर्स्ट हाफ में केमिस्ट्री अच्छी है सहर और करण की, बट आई थिंक और अच्छी हो सकती थी, बट इट्स द फर्स्ट मूवी सो आई एम श्योर दे कैन इम्प्रोवाइज. बट दोनों ही बहुत अच्छे हैं. सहर इतनी सारी 800-900 गर्ल्स में से ऑडिशन करके सिलेक्ट होके आई हैं, और जैसे मैंने कहा कि सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्ले कुड हैव बीन बेटर, एडिटिंग should have been taken care of, but as actors I think they have done justice to their roles. ये फिल्म एक बहुत ही ग्रैंड लैंडस्केप पे बनाई गई थी, the sets were hugely mounted, so do you think that the grandfather has crafted the right debut for the grandson? अच्छा है, बहुत ही स्पेक्टेकुलर है. फर्स्ट हाफ इज सो, यू नो, यू कैन नॉट टेक योर आईज, इतने अच्छे जैसे विजुअली स्टनिंग बोल सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, विजुअली स्टनिंग सीन्स हैं. स्क्रीन टाइमिंग भी आज के तारीख में कंपैरेटिवली इट्स अ लिटिल फार फेच, तो डू यू थिंक दैट कुड हैव बीन कट शॉर्ट और यू थिंक इट्स फाइन? नो, इट शुड हैव बीन कट शॉर्ट, क्योंकि दो घंटे से ज़्यादा आजकल लोगों में पेशेंस ही नहीं है बैठने की, अनलेस इट्स सम बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी जिसमें स्टोरी उनको दिखानी है पूरी, या फिर समथिंग लाइक मिशन मंगल, उसमें लोग बैठ जाएंगे, या फिर कोई माइथोलॉजिकल मूवी लाइक बाहुबली जो बहुत ही विजुअली ये है. बट ये मूवी रोमांटिक ड्रामा मूवी है, तो 2 घंटे 10 मिनट तक चलती थी, आधा घंटा एडिट किया जा सकता था. फिर in your favorite moment from the film and that you think will be the USP for the film? Dono ke scenes, you know, first half mein kuch scenes hain, the camaraderie that they share between Karan and Seher, kyunki dono ki wo raw appeal, wo vulnerability, wo dekh ke acha lagta hai, aur fir wo pahadi scenes, you know,
Himachal Pradesh ki cinematography is just so mind-blowing. And lastly, how many stars you would want to give out? I'll still give 3 stars. It's a good attempt. तो ये था पल पल दिल के पास का पब्लिक रिव्यू, जिससे जाहिर पता लग रही है कि ये दोनों यंग स्टार्स के केमिस्ट्री रही कामयाब इन एंटरटेनिंग द ऑडियंस एंड दे ऑल्स हैव इंडीड सक्सीडेड इन क्राफ्टिंग अ ड्रीम डेब्यू फॉर देयर सन. सो इफ यू लाइक्ड आवर रिव्यू, डू नॉट फॉरगेट टू लीव कमेंट डाउन बिलो इन द बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मूवी टॉकीज़.